नगरपालिका नीमच के डोर टू डोर पहुंचकर कचरा इकट्ठा करने वाले वाहन के चालक दीपक माली का कॉलर पकड़ उसके साथ गाली गलौज करने और हाथापाई की घटना के विरोध में सभी कचरा वाहन चालक नीमच श्री थाना पहुंचे। थाने पहुंचकर आवेदन देकर दीपक माली ने शिकायत दर्ज कराई कि रविवार को हाफ डे होने की वजह से इंदिरा नगर स्थित बबलू यादव के यहाँ कचरा लेने नहीं पहुँच पाया, जिस पर बबलू यादव नामक व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया। मामला हाथापाई तक पहुँच गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नगरपालिका के डोर टू डोर वाहन के सभी चालक कचरा वाहन लेकर लामबंद होकर नीमच श्री थाना पहुंच गए और विरोध करते हुए शिकायत दर्ज कराई। स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टाकवाल और व्हीकल इंचार्ज अल्पना गिरी भी थाने पहुंची। पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पोरवाल भी यहां पहुंचकर सुलह कराते नजर आए। सर, हम नगरपालिका कर्मचारी हैं, कचरा वाहन चलाने ड्राइवर, तो शनिवार रविवार के दिन हमारे को हाफ डे मिलता है। शनिवार के दिन नहीं गया था और शनिवार के दिन गया था और संडे के दिन नहीं गया था, तो उस बात के पे होते विवाद करा उसने और मेरे साथ हाथ तपाई करी और फेट वेट पकड़ के गाली गलौज से बात करी। ये अपने इंदिरा नगर में है, विजडम स्कूल के पास बबलू यादव को ड्राइवर है दिखे, उसने करी मेरे साथ। ये अपने कचरा गाड़ी नहीं आई उस बात पे। आज जो हमारे ड्राइवर है उनका कहना है कि एक वहाँ के रहवासी ने उनकी कॉलर पकड़ी है। रहवासी का ये कंप्लेन था कि सैटरडे संडे दोनों दिन उनके यहाँ गाड़ी नहीं आई है। नगर पालिका में सैटरडे संडे दोनों दिन हाफ डे है, जिसके से आधा एरिया सैटरडे को किया जाता है, आधा एरिया संडे को किया जाता है। गाड़ी में खराबी आने के कारण संडे को गाड़ी नहीं जा पाई थी, पर रहवासी ने ड्राइवर के अनुसार उनका कॉलर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से सारे ड्राइवर गुस्से में आ गए और वो सिटी थाने में कंप्लेन करने आए थे। हमने एक आवेदन देने को कह दिया है थाने में और हम नगर पालिका की ओर से भी एक आवेदन पुलिस थाने को पहुंचा देंगे। आगे पुलिस थाना जो कार्रवाई करना चाहे। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।